हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आई होप कि फर्स्ट डे का वीडियो आपको अच्छा लगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो अभी ऊपर में पॉप कर रहा होगा फर्स्ट डे का हमारा वीडियो, आप देख सकते हो क्लिक करके। तो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वो हमारे ट्रिप के सेकेंड डे का ब्लॉग है। तो फर्स्ट डे हम लोग को रानीखेत पहुँचते पहुँचते 7 बज गए थे, होटल फाइनलाइज करते करते हम लोग को 8-9 बज गया था। इसके बाद हमने वीडियो नहीं बनाया। तो सबसे पहले मैं होटल दिखाता हूँ जहाँ पर हम लोग ठहरे थे। तो गाइज़, हम लोग ठहरे हैं मयूर क्यून्स मेडोज होटल में। तो गाइज़, ये जो होटल है वो बिल्कुल ही रानीखेत के बस स्टैंड के करीब था। वहाँ से 5-10 कदम की दूरी पे बस स्टैंड था। मैं होटल का डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप यहाँ पे आकर के ठहर सकते हो। नाइस होटल है। तो ये है गाइस होटल का रूम। और बेस्ट पार्ट है इस रूम का, ये रूम मैंने लिया था इसलिए क्योंकि यहां से जो व्यू मिलता है माउंटेन का, कल मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगा, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो गाइस, आज के ब्लॉग में हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशंस जो भी रानीखेत में हैं वहाँ पे गए थे, उन सारे जगहों को एक्सप्लोर किया, तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हो। गाइस, सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ रानीखेत का चौबटिया एप्पल गार्डन। तो लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़, एप्पल के पेड़, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ आयुर्वेदिक पेड़ जो होते हैं वो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आकर के एक गाइड करना पड़ता है, वो गाइड आपको सारा कुछ बताएंगे। अभी तो सीज़न नहीं है तो अभी हमें फ्रूट्स देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादातर अभी ट्रीज़ हैं। तो जो लोकल टूर गाइड हैं वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी किस किस चीज़ का पेड़ है, और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, अब देखो एंजॉय करो। तो चलो आगे दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चौबटिया गार्डन को। सीजन होता है सर मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीना, 36 वैरायटी के तो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, हिंदी में इसको लीसा बोलते हैं। लकड़ी के सामान में कार्ड पॉलिश जो होता है सही होगा, क्लियर वर्निश, हिंदी में इसको चीड़ का पेड़ बोलते हैं। ये जैस्मिन, ये वाला है सर ओक, ओक ट्री हिल स्टेशन में जहाँ बर्फ गिरती वहीं ये होता है। इसमें जो काई जमी हुई है इसको बोलते हैं झूला हिंदी में। क्या काम में आता है? चिकन मसाला, गरम मसाला जो बनता है इसी से बनेगा। ये वाला है सर देवदार, जिसका सबसे बढ़िया वाला फर्नीचर बनता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीधा, सबसे बढ़िया फर्नीचर इससे बनेगा। दूसरा, इसमें से भी ऑयल आता है। ये ऑयल क्या काम में आता है? जैसे चर्म रोग होता है, सफ़ेद दाग हो जाते हैं उसमें इसको लगाते हैं, तो सीधा ऑयल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो रोज़ गार्डन भी इसी में है? रोज गार्डन है सर, लेकिन इसमें रोज अभी हुआ नहीं है क्योंकि बीच में बर्फ गिर गया था ना, सूख गया पूरा। तो इसको पूरा बोलते हैं तो चौबटिया पार्क ही? चौबटिया एप्पल गार्डन के नाम से फेमस है सर ये, क्योंकि एप्पल ही इसमें बहुत ज़्यादा, एप्पल है, एप्रिकॉट है, पियर है, सारी चीज़ें भी। मैं जो सामने हैं वो सारे हिमालय रेंजेस हैं, देखो यहाँ से क्लियर व्यू मिल रहा है हिमालय रेंजेस का। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये वाला है आलू बुखारा, प्लम जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट वाला रहता है ना लाल कलर, ये आलू बुखारा, इसकी पत्तियाँ डिफरेंट। तो गाइस, यहाँ पे 36 वैरायटी के एप्पल होते हैं इस एप्पल फॉर्म में, और वहाँ पे देखो सारा वर्क हो रहा है। वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो? ये पूरे गवर्नमेंट के लोग, इसकी देखभाल करते हैं। तो सारे यहाँ गवर्नमेंट के लोग हैं जो इस फॉर्म की देखभाल करते हैं। तो गाइस, ये इको पॉइंट है। इको पॉइंट तो आप समझते होगे, जब आप बोलोगे तो वापस आपको वो आवाज़ सुनाई देगी। कितनी बार सुनाई देती है? तो 3 बार यहाँ पे आवाज सुनाई देती है। इलियाना, ये इतना करंट फ्लावर, पैरों में मोच आ जाता तो इसको हम लगाएंगे तो मोच को बिल्कुल फिट कर देगा। तो गाइस, यहाँ का वेदर बहुत ही परफेक्ट है।
सामने देखो हिमालय रेंजेस हैं, वहाँ से बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। यहाँ पे मई जून में यहाँ पे सारे फ्रूट्स वगैरह लगते हैं, जैसा मैंने बताया कि एप्पल के यहाँ पे 36 वेराइटीज़ हैं और इनका यहाँ पे शॉप भी है जहाँ पे वो सारे वेराइटीज़ के फ्रूट्स आप देख सकते हो। तो आप जब भी रानीखेत आओ इस एरिया को एक्सप्लोर करो, लेकिन हाँ बेस्ट टाइम है मई जून में यहाँ पे आने का अगर इस जगह पे पर्टिकुलर आना चाहते हो तो। और भी यहाँ पे दो तीन जगह हैं, दो तीन पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। तो सिर्फ रोज़ और एप्पल गार्डन व्यू करने का जो चार्जेस है इनका 200 रुपीज़ है। तो गाइज ये एप्रिकॉट का प्लांट है, ये आलमंड ट्री है, ग्रीन बादाम, ग्रीन बादाम, इसमें से पत्ते आए इसलिए आप ऐसे कर रहे हो? नहीं वो ऐसा है ना, हाँ इस पर आता है फूल। अच्छा गुड़हल नाम है इसका। क्या? गुड़हल, गुड़हल है, गुड़हल। हाँ मई जून के लिए प्रिपरेशन चल रहा है एप्पल फार्मिंग के लिए। यहाँ पे एप्पल का ट्रीज लगेगा और पूरे नेट से कवर कर दिया जाएगा ताकि मंकीज वगैरह से प्रोटेक्शन हो सके। तो छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, स्नैक के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। क्या क्या है आपके पास? सर हमारे पास गुलाब जूस है, माल्टा जूस है और नींबू जूस है सर। और हमारे पास आपको चाय, कॉफी, मैगी। अच्छा। और ब्रेड टोस्ट ऑमलेट मिल जाएगा सर। वेरी गुड। तो हमने अभी चौबटिया एप्पल गार्डन देखा, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं झूला देवी टेम्पल। तो चलो वहाँ पे मिलते हैं, फिर देखते हैं झूला देवी टेम्पल कैसा है यहाँ का। वैसे अभी हम लोग झूला देवी टेम्पल में हैं। कि कोई मानता है तो घंटी लेकर के आप यहाँ पे बांध सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ से घंटी लो, उसके बाद में अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो दोबारा और यहाँ पे बांधो। देखो तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ टंगी हुई है। गाइज अभी हमने झूला देवी टेम्पल यहाँ पे देखा है, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं रानी झील। आई थिंक रानी झील यहाँ से अराउंड 6 किलोमीटर है, तो देखते हैं कैसा है रानी झील। ये है रानी झील, अभी चलते हैं देखते हैं रानी झील के अंदर क्या क्या है। ठीक है सर, एंट्री का नहीं है। अच्छा आप देखिए घूमिए, फ्री है। ओके बाकी एक्टिविटीज है तो उसका चार्ज है। क्या एक्टिविटी है सर? फ्लाइंग फॉक्स और बर्ना ब्रिज दो चालू है। अच्छा हाँ, छोटी बच्ची कर सकते हैं फ्लाइंग फॉक्स आपका। ओके बर्ना ब्रिज तो टफ हो जाएगा। इसमें बोट करने का बोटिंग सर बंद कर गई, वो जो कार है लंच करने की अभी। अच्छा कितना देर में आएगा? 2:30 बजे आएगा सर वो। तो गाइस यहाँ पे दो तीन एक्टिविटी कर सकते हो, पहला फ्लाइंग फॉक्स, दूसरा बर्मा ब्रिज और तीसरा आप बोटिंग कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं फ्लाइंग फॉक्स करते हैं, लेट्स गो। फ्लाइंग फॉक्स
हाँ तो फ्लाइंग फॉक्स करके देखते हैं क्या मजा आना है। ऊपर चलू ना? चले चले। ये तो एक 60 सेकंड का मजा है सिंपल। तो डन, फ्लाइंग फॉक्स कंप्लीटेड। तो बर्मा ब्रिज है सामने, जो वो लोग कर रहे हैं बर्मा ब्रिज, तो दिखाता हूँ। तो ये बर्मा ब्रिज वाला एक्टिविटी आप कर सकते हैं। गाइस अभी आप लोगों ने रानी झील देखा। रानी झील देखने के बाद हम लोग गए थे लंच करने के लिए। लंच करने के बाद हम लोग गए आशियाना पार्क। आशियाना पार्क बेसिकली बच्चों के लिए है। तो गाइस चलो मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों का जो आशियाना पार्क है रानीखेत में वो कैसा है। और ये है रानीखेत का आशियाना पार्क, बच्चों की जगह जहाँ पे बच्चे फन एक्टिविटी कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ये पार्क। ये सब उसी में इंक्लूडेड है ना? यह है किड्स का एरिया देवदार। तो हम लोग आशियाना पार्क देखने के बाद गए वार म्यूजियम। हेलो गाइस, हमने अभी वार म्यूजियम देखा है। वार म्यूजियम में बेसिकली कैमरा फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी हम म्यूजियम देखने के बाद जा रहे हैं गोल्फ ग्राउंड, और गोल्फ ग्राउंड देखने के बाद थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद फिर आज रेस्ट करेंगे। चलो देखते हैं गोल्फ ग्राउंड कैसा है। गाइस हमने म्यूजियम देखने के बाद गोल्फ ग्राउंड देखने आए थे यहाँ पे, जो कि टाउन से 4-5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि इसमें मैच हो रहा है, तो हम लोग इस एरिया में घूम नहीं सकते हैं। तो मैं दूर से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का गोल्फ ग्राउंड कैसा है। हेलो गाइस, तो आज सबसे पहले हम लोग चौबटिया गार्डन गए, उसके बाद में हम लोग झूला देवी टेंपल गए, और उसके बाद में रानी झील गए, उसके बाद हम लोग एक बच्चों का पार्क था उसमें गए हैं, और उसके बाद हमने वार म्यूज़ियम गए थे जो यहाँ का वार म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम के बाद हम लोग गोल्फ ग्राउंड देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वापस अभी होटल जा रहे हैं। वापस रानीखेत होटल पहुंच करके हम लोग वहाँ का जो लोकल मार्केट है उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर शाम को वापस होटल में आएंगे। आज का प्लान यही है। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।